कोहरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का जोशीला स्वागत। मीडिया से बोले सिंघार, आदिवासियों का वोट खरीदना चाहती है बीजेपी। नेता प्रतिपक्ष और आदिवासी नेता उमंग सिंघार शुक्रवार को श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के कराहल में आम सभा को संबोधित करने जाते समय अल्प समय के लिए कोहरी रुके। यहाँ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आफाक अंसारी के नेतृत्व में उनका जोशीला स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार और उनकी घोषणाओं पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासियों को वोट खरीदना चाहती है, लेकिन इस उपचुनाव में आदिवासियों का वोट नहीं बिकेगा। विजयपुर में कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है, इस बार भी कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। तुम्हारी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने दम से प्रचार कर रही है और आपके सामने जो कांग्रेस के दिग्गज पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष है, कैसे ही चुनौती मान रहे हैं आपको कि विजयपुर में कांग्रेस कितना दम लगा पाएगी? विजयपुर में कांग्रेस हमेशा परंपरागत मजबूत रही है और भारतीय जनता पार्टी, आपने जो कहा है कि अपने दम पे नहीं, वो सरकारी मशीनरी के दम पर चुनाव लड़ रही है। ये पहलवान अगर लड़ना चाहे तो आए मैदान में बगैर सरकारी मशीनरी के, फिर बताएं कांग्रेसी कार्यकर्ता रही। मोहन यादव की बात करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन जो पूर्व में हुआ अमरवाड़ा में चुनाव हुआ, उपचुनाव, हजारों करोड़ की घोषणाएं करी, वहाँ पर क्या काम हुआ? आज तक नहीं हुआ। जल जीवन मिशन की बात करना चाहता हूँ, आज भी गांव के अंदर पाइप छोड़ दिए लेकिन आज भी कनेक्शन अंदर तक नहीं पहुँचा। तो ये आदिवासियों को, किसानों को परेशानी है, आज किसान परेशान है खाद के लिए, किसान परेशान है 24 घंटे बिजली की। तो ये बताए भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं विकास कर रही? 20 साल से आपकी सरकार है और आप आदिवासियों को की बात करना चाहते, आदिवासियों को शहरिया जो संग्रहालय है उस पर ताला लगा हुआ गुजरात की कंपनी ने, वो जब आदिवासी को तुमने उस बंद कमरे में कर दी उनकी विरासत को, तो कैसे आदिवासियों का तुम विकास करेंगे? भारतीय जनता पार्टी झूठी बात करती है, आदिवासी को वोट खरीदना चाहती है, लेकिन आदिवासी स्वाभिमानी है, इसका वोट बिकेगा नहीं।